Okay, time for the Unacademy Road Safety World Series toss. Sachin, you got the coin. Right, you go. Heads. Jonty has called heads. Jonty, what have you decided to do? We would like to have a bowl first, please. Okay, South Africa have won the toss, and they've elected to bowl first. Let's crack it! Bilkul, pehli game. Oh, chit parichit andaz mein Virendra Sehwag ka balla bola. लेकिन बाउंड्री नहीं मिली और ये रिप्ले देखना दिलचस्प होगा क्योंकि ये भाग नहीं रहे थे सिंगल के लिए भी लगा चार मिल जाएंगे मुझे भी यहाँ बैठे हुए यही लगा कि ये तो बाउंड्री होगी क्योंकि यहाँ की आउटफील्ड इतनी तेज है लेकिन वहां पर एक फील्डर मौजूद है और एफर्ट देखिए अलोंग द ग्राउंड गैप ढूंढा और चार रन नजाकत भी कोई चीज है जनाब जी हाँ कल हमने देखे थे कुछ शॉट्स जो कि ब्रायन लारा स्पेशल थे और यह था सचिन तेंदुलकर स्पेशल किस तरह से टॉस के ऊपर आए और गैप में खेला और ये इनकी खासियत होती थी गैप्स ढूंढने में कामयाब रहते थे इनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल फोकस इतना बेहतरीन होता था कोई इस तरह का मौका नहीं छोड़ते थे बल्कि ये तो ऐसे बैट्समैन है दोनों ही ऐसे बैट्समैन हैं जो अच्छी बॉल्स को भी बाउंड्रीज तक भेज सकते थे जिससे कि बॉलर्स के ऊपर हर समय दबाव रहता था ओहो बेहतरीन चेक ड्राइव और नतीजा फिर वही चार रन और मैं फिर बोलूंगा नजाकत भी अलग चीज है जनाब क्या बात है आज इसी पे रहना परिपा जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं ना बिल्कुल टच देखिए इनकी बल्लेबाजी में ये एक बैट्समैन का सबसे सैटिस्फाइंग शॉट होता है जो बॉलर के पास से खेला जाता है ओहो हो सहवाग का बल्ला बोला और इसी वजह से साउथ अफ्रीका लेजेंड्स के फील्डर शांत देखिए मैं आपसे एक बात कह रहा था कि सुनील गावस्कर की कमेंट्री से भी काफी कुछ सीखा जा सकता है और उनकी प्रेजेंस से कितना फर्क पड़ा होगा इस इंडिया लेजेंड्स की टीम को कितने पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में मैदान पर उतरे हैं हालांकि वीरेंद्र सहवाग को जब बॉलिंग कर रहे हैं तो वो जो पॉइंट एरिया है वो कवर करके रखा है इसी वजह से पिछले ओवर में 100% से ज्यादा एफर्ट लगा रहे हैं इस बार पुल किया है लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में और ये पहला झटका ये पिच काफी हार्ड है यहाँ पर बाउंस मिल रहा है बॉलर्स को और उस बाउंस का अंदाजा नहीं लगा वीरेंद्र सहवाग को खेलना चाहते थे फाइन लेग की तरफ हवा में लेकिन बैट के ऊपरी हिस्से में लगी क्योंकि बाउंस ज्यादा था एक तो लंबे ऊंचे कद के बॉलर है और अच्छी एफर्ट लगा रहे हैं जानते हैं कि लूज डिलीवरीज दी इनको तो वो कहां पहुंचेंगी और उस एफर्ट का क्रूगर को मिला फायदा तेंदुलकर एक और चौका मास्टर ब्लास्टर के नाम नए ओवर की शुरुआत की इन तीनों ने लेकिन मुझे तो लग रहा है वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं पहले ओवर से सचिन तेंदुलकर जी हाँ जिस तरह के शॉट खेले थे पहले ही ओवर में उन्होंने काफी कॉन्फिडेंस आया होगा और क्या बढ़िया कलाइयों का इस्तेमाल ओहो आते ही कमाल दिखाया मजबूत कलाइयां और पहला चौका बद्री के लिए इस मैच में ये बहुत जरूरी है स्कोरबोर्ड चलता रहना चाहिए क्योंकि कोई भी बैट्समैन आए और ये सोचे कि थोड़ा सा वक्त बिता लेते हैं उसमें 20 ओवर्स की क्रिकेट में परेशानी हो सकती है जैसे ही मौका मिले स्ट्राइक करें और पहले 6 ओवर्स में तो केवल दो ही खिलाड़ी रह सकते हैं 30 यार्ड के दायरे के बाहर से उसका फायदा उठाना भी बहुत जरूरी है अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड देखने में मजा आ रहा है वैसा बनना चाहते थे और बने बड़े क्रिकेटर ऐसे आए जो वैसा बनना चाहते थे और बने सचिन तेंदुलकर तो ये बात खुलकर कहते हैं कि मैं सुनील गावस्कर की तरह बनना चाहता था शॉर्ट बॉल भी कट करना चाहते थे वहां पर लेकिन क्या फील्डिंग जॉन्टी रोड्स की तक इस ओवर में लेकिन वो आंकड़ा बिगड़ जाएगा अनअकैडमी क्रैकिंग सिक्स बद्रीनाथ के बल्ले से एक बड़ा शॉट को हार्दिक नमस्कार और ये जो सिक्सर लगाया था अद्भुत स्ट्रोक था पूरी ताकत उसके पीछे जो गेंद के नीचे आ गए थे ये कलाई का उपयोग और ग्लांस किया डीप फाइन लेग की तरफ शॉर्ट फाइन लेग पर थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ
तो कम से कम 3 रन यहां पर जरूर, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर ही चली गई 4 रन के लिए। बाहरी किनारा यहां पर आउट, बहुत ही तेज है, हमें पता है जैसे ही फील्डर के पास से निकलेगी बाउंड्री मिलेगी और ये वेलकम बाउंड्री इंडिया के लिए लिटिल मास्टर के साथ। यहां पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ उन्होंने पुल किया, कम से कम 2 रन यहां पर जरूर मिलेंगे, 2 रन। और तारीफ करनी होगी जिस तरह से फील्डिंग भी हो रही है, जिस तरह से फील्डर साथ निभा रहे हैं, इस बार जगह दी, बेहतरीन तरीके से खेल दिया, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ बद्रीनाथ ने, और इस बार फिर उठाया ऑन साइड में लॉन्ग ऑन के ऊपर से, वहां पर कैच लेने की कोशिश की, लेकिन ये अनअकैडमी क्रैकिंग सिक्स। ये देखते हैं एक बार फिर से कैच लेने की कोशिश, लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर ही गिरी, अनअकैडमी क्रैकिंग सिक्स। कानों में गूंज रही है सचिन सचिन, क्योंकि इस तरीके के वो शॉट खेल रहे हैं और एंटरटेन कर रहे हैं। खेला 2 रन मिलेंगे वहां पे, 4 रन मिलेंगे मिस फील्ड के चलते। सचिन रिवर्स स्वीप का प्रयास किया है और बड़े अंदाज से गैप में खेला, दूसरा गेंद पड़ा भी और चौका जड़ा भी सचिन तेंदुलकर। अद्भुत, इसको कहते हैं कि बल्ला कभी नजाकत भी दिखा रहा है और कभी गरज भी रहा, और ये गरज देखिए कितना मौलिक स्ट्रोक है, रिवर्स स्वीप और सीधा, अगर लेफ्ट हैंडर की तरह देखें, जबकि रिवर्स स्वीप लगाया था तो बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 4 रन। बहुत राशि शतक लगाया है, बढ़िया हिट बॉलर के सर के ऊपर से, अनअकैडमी क्रैकिंग सिक्स, बैट के बिल्कुल बीचों बीच में लगा था फ्लैट छक्का, पड़ ली थी गेंद स्लॉट में थी और बड़ी हिट तेंदुलकर के बल्ले से, कदमों का बढ़िया इस्तेमाल और दर्शक बिल्कुल आंदोलित हो गए हैं, रोमांचकारी क्रिकेट का प्रदर्शन। ये देखिए किस तरह हाफ वॉली पर लिया, एलिवेशन दिया, बॉटम हैंड का बढ़िया उपयोग और बॉलर के ऊपर से खूबसूरत सिक्स, सीधा खेले एक बार फिर से और प्रयास बढ़िया था लेकिन व्यर्थ में, चौके के साथ और शतक भी पूरा हुआ तेंदुलकर का, शानदार बल्लेबाजी लिटिल मास्टर द्वारा। माहौल में एक नाटकीय परिवर्तन आ गया है, 7 चौके 1 छक्का 30 गेंदों में 51 रन, स्ट्राइक रेट 170 रन। बाहरी किनारा, भाग्य के साथ भी बहादुर के साथ, और इस बार बैकफुट पर गया और फिर ये बैट का बाहरी हिस्सा और फिर थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, फिर 4 रन और उठाकर मारा, इस बार मिस टाइम हुआ स्ट्रोक और कैच के लिए जा रहे हैं और इस बार आउट। खड़े होकर तालियां बजा रहा है क्योंकि एक बार फिर से दलील मास्टर ने सबको एंटरटेन किया, शॉट बनता था, गेंद स्लॉट में जरूर थी, 20 यार्ड के दायरे के अंदर खड़े हुए थे लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी, लेकिन अच्छी तरीके से पीछे जाके वो कैच पकड़ा, स्ट्राइक रेट है उनका, और ये उठाकर मारा है बॉलर के ठीक ऊपर से सुंदरता के साथ, 4 रन। और थर्ड मैन का खिलाड़ी जज नहीं कर पाया जीवनदान, वहां पे युवराज सिंह, और इस बार उठाकर मारने की कोशिश की थी, ऑफसाइड में बैट का बाहरी हिस्सा लगा लेकिन कैच छूट गया, कैच छूट गया, बाउंड्री लाइन से 15 गज अंदर खड़े थे फील्डर, वहां पर कैच छूट गया। खेले गए मैचेस में ओ लीजिए अनअकैडमी क्रैकिंग सिक्स, यूसुफ पठान का बल्ला बोल नहीं चीख रहा है, ये 84वां सिक्स था टूर्नामेंट का अभी तक इस अनअकैडमी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का। लेग स्टंप के ऊपर ये बॉल, कलाइयों का क्या जबरदस्त इस्तेमाल, और रमन इन्हें जब हम देखते हैं ब्रेकफास्ट टेबल पर, अच्छे कद काठी के खिलाड़ी हैं, अच्छी बिल्ट है उनकी, अच्छी ताकत दिखती है उनमें, विराट जैसे बैट्समैन को थोड़ा सा सेटल होने में इस बार फिर से जोरदार स्ट्रोक लगाने की कोशिश, जॉन्टी वहां पर मौजूद है और जॉन्टी रोड्स का हम सभी जानते हैं कि गलती नहीं करते, ये अच्छी विकेट मानेंगे जॉन्टी रोड्स, थोड़ा सा लेंथ पीछे खींची
पटकी हुई गेंद थी और रिवर्स कप किया हाथों को जॉन्टी रोज ने 35 नाबाद की एक ताबड़तोड़ पारी खेली थी। लेकिन फिलहाल तो बात करते हैं युवराज सिंह की, चार और युवराज के नाम जिसके लिए भेजा है वो काम हो जाएगा। और इस बीच एक और बढ़िया प्लेसमेंट युवराज द्वारा, वो शायद निर्णायक साबित हो जाए। फिलहाल तो हेलमेट बांध दीजिए स्टैंड्स के अंदर, अन अकेडमी क्रैकिंग सिक्स डाउन द ग्राउंड, ये तो और भी लंबा, अन अकेडमी क्रैकिंग सिक्स। एक और क्रैकिंग सिक्स, स्लो बॉल, हश्र फिर वही, पूरा लेंथ। युवराज सिंह ने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, अन अकेडमी क्रैकिंग सिक्स। एक और शॉट, अन अकेडमी क्रैकिंग सिक्स। देखना है कि 21वीं बॉल पर अर्धशतक पूरा करते हैं या नहीं, क्योंकि इससे पहले 20 बॉल में वीरेंद्र सहवाग ने किया था बांग्लादेश के विरुद्ध। शतक पूरा किया युवराज सिंह ने। लेफ्ट क्रैकेट, इरफान पठान के हाथ में है गेंद, 205 का लक्ष्य दक्षिण अफ्रीका के सामने, मौके बहुत मिलेंगे यहां पे विकेट चटकाने के लिए। आपके पास सुरक्षा है स्विंग कराने की कोशिश, और ये सोच भी सही है। और कैप्टन जिन्होंने आज बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया था, ताली बजाकर हौसला बढ़ा रहे हैं बॉलर का। बहुत अच्छी डिलीवरी खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से, हालांकि फील्डर मिड विकेट पर लिया था लेकिन फील्डर से बहुत दूर। विनय कुमार है फील्डर, दो रन लेने का मौका यहां पर। ऑस्टम के बाहर से पिक किया, अन अकेडमी क्रैकिंग सिक्स। दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स का ये पहला अन अकेडमी क्रैकिंग सिक्स, और वैनविक के बल्ले से बहुत जल्दी लाइन को परख लिया था। और क्या ये बढ़िया चेस की शुरुआत है, कदमों का इस्तेमाल किया था इरफान पठान, हल्का सा गेंद लेग स्टंप पे और सिर्फ दिशा दिखाई थी। चार खिलाड़ी ऑन साइड पे, एक डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन, उसी के चलते लाइन जो है थोड़ी सी लेग स्टंप पे ज्यादा हो गई। ये 20 ओवर्स क्रिकेट है, इसमें बॉलर के ऊपर तो हमेशा प्रेशर रहता है। अच्छी बॉल थी, और अच्छी बॉल्स पर भी बाउंड्रीज मिल जाती है, उससे बॉलर को हताश नहीं होना चाहिए। इस बार अच्छी लाइन से बॉल की थी, खेलना कहीं और चाहते थे लेकिन बैट पर लग कर गई थर्ड मैन की तरफ। बहुत लेट बाहरी किनारा लग कर गई, थोड़ा सा रूम बनाया था, गैप में खेला गया क्योंकि खिलाड़ी बाउंड्री पे तैनात नहीं है। विकेट कीपिंग करके आए हैं, अच्छा अंदाजा होगा इस पिच का उन्हें, और जैसे ही देखा ऑफ स्टंप के बाहर ये बॉल थी, बाउंड्री पर कोई फील्डर नहीं था। बढ़िया शॉट, हल्का सा रूम था ऑफ स्टंप के बाहर, प्लेस कर दिया पटिक ने। बार बार कह चुके हैं कि जितनी भी तारीफ की जाए क्यूरेटर की उतनी ही कम होगी, क्योंकि T20 क्रिकेट के लिए बेहतरीन पिचेस उन्होंने प्रोवाइड किए। ये ऑन साइड में मिड विकेट पर कोई फील्डर नहीं है, चार रन। ये लेग साइड में मिड विकेट को ताक कर मारा क्योंकि वहां पर कोई फील्डर नहीं था, ऑफ साइड पैक था और मिड विकेट बिल्कुल खाली पड़ा था, उसी को निशाना बनाया और सुंदरता के साथ स्लॉग स्वीप जिसको कह सकते हैं, चार रन। और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक, छह रन, अन अकेडमी क्रैकिंग सिक्स। खेल दिया उसे मिड विकेट के ऊपर से उसी फ्रंट फुट पर, कितनी बढ़िया आई है वैनविक की। बिल्कुल आपका ठीक कहना है, ये गैप में खेला गया, एक बाउंस और चार रन, और मिड विकेट उनका पसंदीदा इलाका नजर आ रहा है। ये देखिए किस तरह क्रीज की गहराई का उपयोग किया, संतुलन कैसा बनाया शरीर का, और बहुत ही अच्छी तरह संतुलित होकर खेलते हैं, और बायां पांव बाईं तरफ हटा लिया ताकि संतुलन बराबर बनाकर रख सकें।
ले, ये उठाने की कोशिश लेकिन बोल्ड, स्टंप बोल्ड हो गए। फिर से मिड विकेट के ऊपर से उठाकर मारना चाहते थे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन पटेक को। सटीक गेंदबाजी, आम बॉल डाली थी बिल्कुल सीधी और यही बात करते हैं स्पिनर्स, सीधा गेंद डालेंगे, क्या कहें इसे। और ये बैकफुट पर पॉइंट और कवर के बीच में से खेल दिया है सुंदरता के साथ, इस बार चार रन खड़ी कर रहे हैं गांधी के लिए। ये इनका पसंदीदा शॉट, टॉप हैट, मास्टर नहीं करेंगे गलती, फंसाया प्रज्ञान ओझा ने अपनी फिरकी गेंदबाजी के जाल में। ये फिर से देखते हैं, ये स्वीप करने की कोशिश की थी और टॉप एज लगा सीधा सचिन तेंदुलकर के पास, ये बहुत बढ़िया सीधे कॉटन बोल्ड, गजब का कॉटन बोल्ड। जब आप एक स्कोर को डिफेंड कर रहे हैं विकेट चटकाते रहेंगे तो विपक्षी टीम की मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। और क्या शानदार कैच कॉटन बोल्ड यूसुफ पठान द्वारा, कभी भी आसान नहीं होता, लो डाइविंग कैच और मास्टर के चेहरे पे खुशियां ही खुशियां। 11 मुकाबलों में से 5 मुकाबलों में मैन ऑफ द मैच थे, बढ़िया फील्डिंग वहां पे विनय कुमार द्वारा, लगभग 50% मुकाबलों में वो मैन ऑफ द मैच थे। पता चलता है कि वो खेल भावना और अपनी टीम के प्रति जो आप बात करते हैं युवराज सिंह में कितनी बड़ी रहती है। बिल्कुल, वो प्रतिबद्धता की इसकी हम हमेशा प्रशंसा करते हैं, कमिटमेंट जिसको कहते हैं, भारतीय टीम के हितों का हमेशा वो ध्यान रखते हैं, मैचेस का मजा उठाते हुए। बड़ी हिट यहाँ पे, अल अकादमी क्रैकिंग सिक्स, बड़ी हिट, अच्छा संपर्क बैटर बॉल द्वारा डिब्रेन स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए गेंद को, बहुत बढ़िया स्ट्रोक, क्या टाइमिंग और कदमों का बढ़िया इस्तेमाल, गेंद से हाफ वॉली पर मुलाकात, बॉटम हैंड का बढ़िया उपयोग, पूरी ताकत शरीर के उसके पीछे झोंके, टाइमिंग बेमिसाल और शरीर का संतुलन बहुत ही शानदार, गेंद बाउंड्री लाइन पर सीधी जैसे 6 रन की उस पर छाप लगी थी और फिर से उठाने की कोशिश की, पैड पर लगी और आउट LBW, ये स्वीप स्विंग करने की कोशिश की थी मिड विकेट के ऊपर से, पूरी तरह बीट हो गए, पैड पर लगी है और LBW की जोरदार अपील और तुरंत आउट करार दिए गए डिब्रेन, और इस तरह एक और विकेट गिर गया, भारतीय तिरंगा झंडा फिर से लहरा रहा है और इस तरह विकेट गिरा, देखिए स्वीप करने की कोशिश की थी, लग रहा था कि लेग स्टंप के बाहर की तरफ जा रही है लेकिन जोरदार अपील और अंपायर ने तुरंत ही LBW करार दिया। ले आरसीबी कवर्स के हाथ में, दबाव दिख रहा है दक्षिण अफ्रीका लेजेंड्स के ऊपर, अब फ्लाइट किया था जिस तरह से अभी रमन ने बताया कि गति में बदलाव कर रहे हैं बार बार, उसका फायदा मिला युवराज सिंह को, ये ढीली बॉल डाली थी फ्लाइट किया था और कोई परेशानी नहीं शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर यूसुफ पठान। और वो कैच जो हमने दिखाया था वो हमारे अंग्रेजी के कॉमेंटेटर रसेल आर्नल्ड की बोलिंग पर लिया गया था और यहाँ पर खराब फील्डिंग के चलते एक बाउंड्री मिली टेलीमार्कस को और टेलीमार्कस और बॉलर यूसुफ पठान के बीच वो मुस्कुराहट मुस्कान एक्सचेंज हुई। देखिए अब तो हर गेंद पे बल्ला घुमाना पड़ेगा, विनय कुमार और युवराज सिंह माफ कीजिए इस बार आइफ तो लगाई, इंडिया लेजेंड्स को एक्शन में देखा है, अपने चहेते खिलाड़ियों को, जॉन्टी रोज क्या बात, चौके के साथ ओवर को समाप्त किया 9 रन आए इस ओवर से, दिल बड़ा हो जाता है। इस बार रिवर्स शॉट, बढ़िया टाइमिंग, और अब ऐसा लगता है कि अगर रन चेज हो ना हो लेकिन जॉन्टी रोज ने फैसला किया है कि यहां पर जितने दर्शक मौजूद हैं उनका कुछ मनोरंजन तो किया जाए, बढ़िया शॉट थी अच्छी टाइमिंग के साथ खेल दिया इनफील्ड के ऊपर से। साउथ अफ्रीका लेजी के खेमे में टेलीमार्कस कह रहे हैं भागने की क्या जरूरत जब इस तरह से चौके लगा सकते हैं, तो बाउंड्री उनके नाम, 65 रन चाहिए, 14 ही बॉल बची है,
रन्स तो नहीं बनेंगे। यहाँ बॉल पे छक्का मारने की जरूरत है, सिक्स मारने की जरूरत है। इस बार जोरदार हिट लगाने की कोशिश, लेकिन सीधा वीरेंद्र सहवाग के पास। और ऐसा होता है जब आपको लगने लगे कि अब यहां से हम जीत नहीं सकते, तो फिर वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और वो इस शॉट में दिखा। और फिर देखिए बल्लेबाज की कितनी दूर डाली थी गेंद, पहुंचने की पूरी कोशिश में, फुल स्ट्रेच पे थे टेलेमार्कस शॉट खेलते हुए। कंपटीशन है, कंपेटिटिव स्पिरिट है, और फिलहाल तो विकेट भी है। मनप्रीत गोनी ने पकड़ा, अच्छा कैच। ये इंटीनी वैसे ही मुस्कुराते रहते हैं, इनको हम जब देखते हैं होटल में भी देखते हैं, ये मुस्कुराते रहते हैं, खुश दिल इंसान लगते हैं। और अच्छी दोस्ती भी है गोनी के साथ, क्योंकि इन दोनों को कई बार हमने ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए देखा है। आखिरी गेंद, एक रन लेने का मौका, और ये 56 रन से इंडियन लेजेंड्स ने इस मैच को जीत लिया है। थोड़ा सा सेटबैक मिला था टीम को एक हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट के अंदर, लेकिन आज पहले बल्लेबाजी करते हुए इतने रन स्कोरबोर्ड पे डाल दिए कि साउथ अफ्रीका लेजेंड्स के लिए काम हो गया मुश्किल।